हमारा यही करना है। 31 तारीख को हमारे भाई ड्यूटी करने बेरमो गए, वहां से वापस लौट रहे थे। रास्ते में उनकी बात हमारी भाभी से हुई। उन्होंने उन्होंने पूछा आप कहाँ पे हैं, वो बोले रास्ते में ही हैं। उसके बाद फिर वो मोबाइल बंद कर मतलब बंद हो गया। उसके बाद वो पूछना ही चाह रही थी कि वो कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, तब तक उनका स्विच ऑफ बता रहा था मोबाइल। फिर उनसे बात ही नहीं हुई। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे भाई को जमीन ले गया कि आसमान निगल गया, क्या हुआ हमारे भाई के साथ? हम एसपी, डीएसपी, डीआईजी सभी के पैर पकड़े, सभी से ये विनती की, बार बार ये विनती की कि हमारे भाई को, अगर हमारे भाई का चरित्र अगर उस टाइप का है जो उन पे लालछन लगाया जा रहा है, तो पहले हमारे भाई को सामने करें, उसके बाद वो उनके चरित्र कैसा है कैसा नहीं है वो साबित करके उनको जो सजा देनी होगी वो हमारे भाई को दे। हम भी कानून के साथ ही रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर उनको ढूंढने के बजाय उन पे आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है कि हमारा भाई का चरित्र ही ऐसा है। खुद एसपी सर ही बोल रहे हैं, और भी हमारी भाभी से ही बोलते हैं कि उस जिस आदमी का चरित्र ऐसा है उसका क्या होगा। हम अबला हैं, हम असहाय हैं, हम बार बार कानून से मदद मांग रहे हैं, बार बार गुहार लगा रहे हैं, हमारा कोई भी नहीं है आगे नहीं पीछे। फिर कानून ये बात को क्यों नहीं समझ रही है? बार बार हम ही लोग पे आरोप लगा के कुछ नहीं कर रही है, चुपचाप बैठी हुई है, एकदम अनसुना कर दी है। हम लोग एकदम तबाही तबाही हो गए हैं, हमारा परिवार बिखर गया है, बाल बच्चा कैसे जा रहा है, ना स्कूल जा रहा है, ना घर में हम लोग उसको देख पा रहे हैं, ना बच्चा देख पा रहे, दिन रात पागल की तरह इंस्पेक्टर, डीआईजी, एसपी सब पास दौड़ते दौड़ते हम थक गए हैं। 31 तारीख 31 मार्च से ही गायब हैं, और हम रोज थाना का चक्कर लगाते हैं, रोज मैंने 2 दिन 3 दिन पे हमेशा जाते हैं, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, हर जगह जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और अब तो हमको एसपी पर ही शक है, एसपी एसपी एकदम देखना ही नहीं चाहता है, मेरे पति के ऊपर लांछन लगाता है, बोलता है कि मैं ये उनका चरित्र खराब है, कभी मेरे चरित्र के बारे में बोलता है। तो अब हम कहाँ जाएं, मेरे पति को ना आसमान निकल गया है ना जमीन खा गई, तो कहाँ से, अगर मेरे पति के पति का चरित्र भी खराब है तो उनको ढूंढ के लाया जाए और इसके बाद उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर मेरा भी है तो वॉइस रिकॉर्ड ये होता है ना, उससे मेरा और मेरे नंदोई के साथ बताते हैं कि ये है अफेयर है, अगर मेरा और मेरे नंदोई के साथ अफेयर है तो वॉइस रिकॉर्ड के द्वारा, अगर झारखंड में अवेलेबल नहीं है, दूसरे जगह से मंगा के और ये लोग ये करवाएं, वॉइस रिकॉर्ड का ये करवाएं और निकाल के और हमको साबित करें, और जिस दिन ये साबित हो जाएगा उस दिन हम एक केस को भी बंद करा देंगे। शक एक लल्टू नाम का है, उसके पे गया था, लेकिन उसको बुला के ऐसे ही ये लोग नॉर्मल बात उत किए और छोड़ दिए। और एक है निराला करके, उसको बार बार हम कहते हैं कि निराला पे मेरा शक है, उसको लाया नहीं जा रहा, पुलिस चुपचाप से बैठी हुई है कि आएगा दरभंगा तो उसको हम बुला के लाएंगे, वो दरभंगा माने 4 महीना में अगर दरभंगा आता है तब जाके मेरे पति का वो कार्रवाई करेंगे और पूछताछ और उनको खोजेंगे। आपके आपके नॉलेज में है ये मामला? हाँ, नॉलेज में है। तो सर, उसके परिवार वाले का सीधा कहना है कि हम लोग जब एसपी के पास जाते हैं तो हमारे ऊपर, हमारे पति के चरित्र के ऊपर लांछन लगाते हैं, तो आखिर उनका काम है निकालना, वो बता दें, अगर सामने लाए तो हम लोग जो है सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, तो 2.5 महीने में क्या सुराग मिला है? इसको तो वैसे एसपी साहब के यहाँ से ही माइन्यूट्स आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या एक्शन लिया गया है। पर परिवार वाले मेरे पास भी आए थे इस प्रॉब्लम को लेके, और उस समय मैंने श्री कार्तिक जी से बात भी किया था, और 2 टीम्स भी बनी थी इसके लिए अलग अलग। अगर किसी लेवल से इस तरह का बात कहा जा रहा है कि जो लापता है या जिसका सुराग नहीं मिल रहा है, उसके बारे में कमेंट हम लोग बाद में करेंगे, पहले उसको सामने आ जाए, तब फिर अपने आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार आज पुनः इस मामले को मैं देखता हूं और प्रयास करता हूं कि इसमें अगर कोई तुरंत में एक्शन लेने लायक या कोई ऐसा इनपुट है जहां पे हम लोग कोई टीम भेज के या किसी अन्य तरीके से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी कार्रवाई हुई थी। मेरे पास अभी सामने पूरा लिस्ट नहीं है, नंबर से लेके कुछ जो भी घर वालों के द्वारा या अन्य स्रोतों से जो भी लोगों के बारे में पता चला था, जिन जगहों के बारे में पता चला था, जो नॉर्मली जो चीज़ हम लोग करते हैं बस स्टैंड और
रेलवे स्टेशन और अगल बगल के ज़िले, अगल बगल के राज्य, वो सब कुछ हम लोगों ने किया था, पेपर में आना ये सब कुछ हुआ था। पर एक बार पुनः इस मामले को आज समीक्षा करके मैं जो भी संबंधित लोग हैं उन लोगों को एक बार फिर से इस टास्क पे लगाता हूँ और नेक्स्ट वीक में हम लोग आपको एक बार अपडेट दे पाएंगे कि जो अगले 3-4 दिनों में कार्रवाई हुई है उसके क्या हालात हैं।